गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली व्लॉग्स। अभी बज रहे सुबह के 7:30 और मैं हूँ अपनी बालकनी में। मैं डेली सोच रही थी यार व्लॉग्स बनाऊँ, आज से बनाऊँ, बट नहीं बना पा रही थी क्योंकि अभी मैं जस्ट डेढ़ दिन पहले ही अपने एक मायके से आई हूँ और घर में ऐसा हाल मचा रखा था 1 महीने पहले मेरे हस्बैंड ने कि मैं उसे ही समेटने में लगी हुई थी और अभी तक कुछ समेट नहीं पाई हूँ। अभी मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके आए हैं, वो अभी आए हैं, 7 बजे उनकी शिफ्ट ख़त्म होती है, थोड़ा टाइम आने में लगता है। मेरी बालकनी है, ये तो कल शाम चीकू ने ये गमला गिरा लिया था तो ये मिट्टी में खेल रहा था उसकी। बाकी ये गमले थे जब मैं गई थी ना, ये बहुत अच्छी कंडीशन में थे, इनमें सब में प्लांट्स थे, पर पता नहीं यार मेरे पीछे इन्होंने क्या किया। नाम के लिए पेड़ है, किसी में तो पेड़ भी नहीं है, खाली है, पता नहीं क्या ही किया। और डेली दीदी पानी भी देके जा रही थी, ये तो इंडोर प्लांट्स थे सारे। इसको देखो ये कैसे कंकाल तंत्र बन गया, ये तो पूरा ही सूख गया, ये तो कुछ खाली हो गए। हमने सब कल शाम को ये निकाल के इसमें रखा, अभी यार सूखे हुए पेड़ भी नहीं रखते ना घर में, इसलिए सारे हटा दिए, कटिंग कर दी। अब ये खाली गमले भी नहीं अच्छे लग रहे और बालकनी भी नहीं अच्छी लग रही। आज शाम को देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो हम प्लांट्स लेने जाएंगे और फिर से इन्हें प्लांट्स लगाएंगे। साफ सफाई होगी तब बालकनी थोड़ी दिखाने लायक होगी, बट मैंने दिखा दी क्योंकि गंदगी यार सबके घर में होती है। साफ सफाई से पहले अभी झाड़ू पोछा होएगा तो नॉर्मल हो जाएगी। अब शो ऑफ करने के लिए पहले झाड़ू पोछा लगाओ फिर दिखाओ, देखो मेरी बालकनी 24 घंटे कितनी साफ रहती है, मेरी तो नहीं रहती और ऑब्वियसली रह भी नहीं सकती यार, मेरे घर में बच्चा है छोटा। ये देखो ये चीकू सो रहा है, ये ना पूरी रात मुझे परेशान करके जब मैं उठ गई तब ये सोया है। उठ गए बेटा, उठ जाओ चिकू, गुड मॉर्निंग, कह दो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मम्मा क्या कर रही है ये कैमरे के साथ? वो डैडी आ गए ऑफिस से। नहीं नींद नहीं खुल रही अभी, और नींद करनी है। आजा, ओ भैया आजा। मेरे चने उबल गए हैं, अब मैं पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। नाश्ता बनना, और ये देखो ये दोनों बाप बेटे जब तक मेरा नाश्ता बनेगा खाना बनेगा ये यही खड़े रहेंगे। क्यों खड़े रहेंगे बताना, ये मन नहीं लगता मेरे बिना? हाँ चीकू आप यहाँ क्यों खड़े रहोगे? कैमरा ऑन हो गया, थोड़ी ना बोलूंगा मैं। सो जा बेटी, सो जा इधर बेटी, क्योंकि जब से मैं मायके से आई हूँ चीकू मेरे मुझे देखे बिना कहीं रहता ही नहीं है। अगर मैं चीकू को नहीं दिखी तो चीकू रोना शुरू कर देगा, फिर खड़े होके चीकू को दिखा रहे कि चीकू मम्मा है, मम्मा छोड़ के कहीं नहीं गई।
बज रहे हैं 10। वो अपनी पावर नैप ले रहा है, वो 15-20 मिनट ही सोता है इस टाइम पर। तो इतना मैं खाना बना लेती हूँ और थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर तो वो करने नहीं देगा। और एक टिप्स मैं देती हूँ, जब मैं भी पहले खाना बनाती थी ना, मतलब पहले मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था, फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया तो मेरे साथ हमेशा होता था, मैं कुकर में जब भी दाल बनाने रखती थी तो सीटी से ना पानी बाहर निकल के आ जाता था, और फिर गैस भी गंदी होती थी, कुकर भी गंदा होता था, और आधी दाल तो ऐसे ही निकल के आ जाती थी हर सीटी में। फिर मुझे पता चला कि जब हम दाल डालने के बाद कुकर में पानी डालते हैं तो उसमें ना आप एक या दो बूंद थोड़ा सा घी या ऑयल का डाल दो, तो जब आपकी सीटी आएगी कुकर में तो मतलब उसमें से पानी या दाल नहीं निकलेगा। अभी मैं नहा के आई हूँ और ये जनाब उठ गए हैं, बस इतना ही सोए कि मैंने खाना बनने रखा है और मैं नहा के आई हूँ। बाकी मेरी साफ सफाई, पूजा घर मुझे साफ करना था, वो भी नहीं कर पाई मैं। अब ओए बेटा चीकू, क्या कर रहे, क्या कर रहे, हट जा हट जा। अड्डू बेटा, इतनी देर में मैं बात कर रही थी, ये बालकनी में आके शैतानी मचाने लगी। अभी बेटा बालकनी आंटी साफ करके गई है, इतनी गंद मचाओगे तो आंटी छोड़ के भाग जाएगी घर को, मैं नहीं कर रही। अभी तो यहाँ आके ना इतना काम इसलिए फैला हुआ है क्योंकि 1-1.5 महीने से इन्होंने बहुत गंद मचाई हुई थी घर पे, मतलब पूजा घर पे इतनी धूल जम गई, और किचन में क्योंकि किचन में विंडो है तो बहुत धूल आई और इन्होंने बिल्कुल साफ नहीं की। और किचन साफ करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, तो मैं धीरे धीरे साफ़ कर रही हूँ, अगर एक दिन में साफ़ करने लग गई तो मैं ही थक के बीमार होके पड़ जाऊँगी, फिर बस हो गया। क्योंकि अभी ये क्रॉलिंग करने लगा है, और क्रॉलिंग करने लगा तो मतलब अभी देखा ना, मैं 2 मिनट बात कर रही थी और ये यहाँ बैठे बैठे बालकनी में पहुँच गया, और डर लगता है वो गमले की मिट्टी विट्टी ना खा ले, चोट ना लग जाए, क्योंकि मिट्टी में मुझे खुद डर लगता है, मिट्टी छूते हुए उसमें पता नहीं क्या क्या कीड़े निकल के आते हैं। मैं तो बस, मुझे देखने में प्लांट्स अच्छे लगते हैं, मैं पानी वानी केयर वेयर सब कर सकती हूँ, पर मैं जब वो होते हैं ना प्लांट लेके आते हैं और गमले में लगाते हैं, तो मैं ग्लव्स पहन के भी मैं प्लांट नहीं लगा सकती, मुझे मिट्टी से डर नहीं लगता, पर मिट्टी में जो कुछ कुछ कीड़े होते हैं ना, मुझे उनसे डर लगता है। तो मेरे हस्बैंड ही लगाते प्लांट्स वगैरह, देख लो ये ऐसे अभी मैंने अपने पास बिठाया था और ये फिर से बालकनी में जा रहे हैं। अंदर मैंने इतनी सारी चीज़ें दी हुई थी खेलने के लिए, इन्हें एक पसंद नहीं आई, इन्हें बस बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि वो दिख रहे हैं ना, पेड़ दिख रहे, गमले दिख रहे, जिस चीज़ को मना करो ये उसी पे जा रहे हैं, बच्चों का होता ही यही नेचर है। अच्छा पेड़ से बातें कर रहे हो बेटा, किधर चले, इधर बात कर लो, कुछ गिर जाओगे ना मम्मा नहीं छुपाएगी, आ जाओ इधर चीकू। भाग गया, इसका ना ठिकाना एक ही है बस, ये आ गया अपने ठिकाने पे। बेटा रहने दो, छोड़ दो थोड़ा पेड़, बेटा आप घर में कुछ छोड़ोगे नहीं, चलो छोड़ो इसे, चलो उठो। नहीं बेटा गंदा है ये। चीकू के डैडी ने चीकू को सुला दिया, चीकू गया सो, चीकू अभी खाने के टाइम जगा होता ना तो भाग भाग के आता थाली पे, उठना जाए चीकू, नहीं नहीं। ये बनाया आज मैंने राजमा चावल,
मछली, बैंगन का भरता और रोटी। इससे पहले चीकू उठे, हम खा के खाना फिनिश कर देते हैं। अब हो गई है शाम, चीकू भी अपना दोपहर की नींद लेके उठ गया है और टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। तो हम जा रहे प्लांट्स लेने। मैंने सुबह मॉर्निंग में दिखाया भी था कि मेरे सारे प्लांट्स इन लोगों ने सुखा दिए हैं। हमने सुखा दिए और ऑफिस के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. ये ले ले, क्या ये ले गए थे? सूख गया ये गर्मियों में चलता नहीं क्या? चलता। पानी वाली तो सब पानी ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, गर्मी में बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तभी सूख गया वो, तभी सूख गया वो पूरा कंकाल बन गया। गर्मी में ज्यादा पानी चाहिए। अब टेम्परेचर ये मान लीजिए 47-45 के आसपास, तो गर्मी में धूप नहीं लगानी पड़ेगी क्या? नहीं, किसी भी इंडोर को, किसी को भी लो, चल जाएगा। तो फिर इंडोर नहीं, आउटडोर लो। अंदर तो चीकू रहने नहीं देगा पेड़। अब हां, कोसी कौन सा है? रबड़ का है। रबड़ कितने का है? हमने ये 5 प्लांट्स लिए है। गर्मियों में यार आते ही नहीं फूल की ज़्यादा वैरायटी, तो हमने 2 फूल की वैरायटी ली है, 2 इंडोर प्लांट लिए हैं, 1 आउटडोर प्लांट लिया है। हमारे पास टोटल 6 गमले थे खाली, हमने 5 ही लिए है। अभी बरसात आएगी तो और लेंगे। बरसात में नए प्लांट्स भी आएंगे, फूल वाले ज़्यादा आएंगे बोल रहे भैया, तो हम तभी लेके जाएंगे। बेटा हम प्लांट्स लेके जा रहे हैं, तोड़ना नहीं, चलने देना, तोड़ना नहीं है, गमला मत गिराना बेटा, तोड़ना नहीं है बेटा, प्लांट्स नहीं तोड़ने हैं अब। चीकू सोच रहा है मुझे अभी गाड़ी में छोड़ दो, मैं अभी तोड़ दूंगा।